नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, ये देख लीजिए पार्ट वन एंड पार्ट टू, इन दोनों की सैलरी की रिपोर्ट मांग ली गई है। जी हाँ साथियों, इनका लेटर जारी हो चुका है, आपको पूरी डिटेल बताऊंगा साथियों, और पल पल की अपडेट अपने चैनल पर मिलती रहती है। और अपने चैनल का नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है साथियों, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत से कर्मचारी वहां पर जुड़े हुए हैं साथियों। और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर जानकारी आपको मिलती रहे। 1/7/2022 का नया लेटर है साथियों, इसकी जानकारी पूरी बताऊंगा। ये देख लीजिए साथियों, आज ये लेटर जारी हो चुका है, ये रिगार्डिंग पर्सन एंगेज्ड अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट वन और पार्ट टू। ये देख लीजिए, जो पार्ट वन और पार्ट टू आउटसोर्सिंग पॉलिसी के अंदर लगे हुए थे साथियों, उनके लिए लेटर है। ये कह रहे हैं कि हमने 3/6/2022 को एक लेटर भेजा गया था, 3/6/2022 को एक लेटर भेजा गया था साथियों, ये सैलरी का रिगार्डिंग लेटर था। अब ये कह रहे हैं कि हर स्टेट ये कह रहे हैं कि जो दैट प्लीज़ सेंड स्टेटस रिपोर्ट रिगार्डिंग, यानी कि हमें जो भी आपका जो सैलरी और जो वेजेस हैं साथियों, जो कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन एंगेज्ड हैं अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट वन और पार्ट टू के तहत जो लगे हुए थे, तो उनकी सैलरी के लिए है अप्रैल और मई। ठीक है साथियों, तो अप्रैल और मई 2022 की जो सैलरी थी कि किस किस की सैलरी चली गई है, किस किस की नहीं गई है, तो ये इंस्ट्रक्शन जारी कर दी थी इन्होंने 3/6/2022 को। ठीक है, तो रिपोर्ट में भी प्लीज़ सेंड, यानी कि 5/7/2022 तक इसकी रिपोर्ट भेजी जाए हमारे पास, जो 3/6/2022 को इन्होंने कहा था कि सभी की सैलरी 7 तारीख से पहले चली जानी चाहिए, लेकिन अभी तक भी बहुत से डिपार्टमेंटों ने सैलरी नहीं भेजी है साथियों, तो उसकी रिपोर्ट मांग ली गई है कि आप अपने अपने डिपार्टमेंट की हमें रिपोर्ट भेजिए, जो कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन एंगेज लगे हुए थे आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट वन और पार्ट टू के तहत, उनकी रिपोर्ट तैयार करके 5/7 तक हमारे पास जल्दी से जल्दी भेजी जाइए। और दिस में प्लीज़ बी ट्रेटेड एज मोस्ट अर्जेंट, यानी कि मोस्ट अर्जेंट इसको वेस पे इस लेटर को समझा जाए। ठीक है साथियों, तो ये देख लीजिए, आप तक ये नई इन्फॉर्मेशन पहुँचानी थी, जिस साथी की सैलरी नहीं गई है उनके लिए दोबारा से फिर लेटर आ गया है, और अब आपकी सैलरी 10 तारीख से पहले आ जाया करेगी। जितने भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट वन पार्ट टू के तहत कर्मचारी लगे हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है साथियों, और सभी की सैलरी जल्द से जल्द आएगी। और जिस साथी की नहीं आई तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो साथियों, आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचानी थी, आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।